हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ दीपिका जैन। आज हम सीखेंगे कैसे हम अपने टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा कीप साइलेंस, ये कीप साइलेंस हम चाहते हैं हमारा सेंटर में आ जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम करेंगे होम टैब में, कहाँ जाएंगे हम? होम टैब में पैराग्राफ ब्लॉक में, कहाँ जाएंगे? होम टैब के पैराग्राफ ब्लॉक में। उसमें हम देख रहे हैं हमें ये ऑप्शंस दे रखे हैं। ये ऑप्शन है हमारा लेफ़्ट अलाइनमेंट का, मतलब कि हम अपने टेक्स्ट को जब हमें लेफ़्ट साइड पे रखना हो। उसके बाद सेकंड ऑप्शन पे आएंगे, ये हमारा सेंटर अलाइनमेंट का, अगर हम अपने टेक्स्ट को सेंटर में रखना चाहते हैं। उसके बाद ये थर्ड ऑप्शन है हमारा राइट अलाइनमेंट का, हम जब अपने ऑप्शन को राइट साइड पे रखना चाहते हैं। देखिए, हमने इसे सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद हम होम टैब के पैराग्राफ ब्लॉक में इधर राइट अलाइनमेंट पर आए। राइट अलाइनमेंट पर जैसे ही हमने क्लिक किया, हम देख रहे हैं कि जो हमारा टेक्स्ट है वो हमारा राइट साइड पर आ गया। ऐसे ही हम अगर इसे सेंटर पर लाना चाहते हैं, हम सेंटर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। हमने सेंटर ऑप्शन पर क्लिक किया और हमारा टेक्स्ट सेंटर में आ गया। ऐसे ही हम इसे लेफ़्ट साइड पर फिर से भेज सकते हैं, हमने इसे लेफ़्ट भेज दिया, ठीक है। अब हम इसे सेंटर में रख दिया। अब हम देखते हैं एक और ऑप्शन, जैसे मैंने लिखा ब्यूटीफुल डायमंड्स, हमने लिखा ब्यूटीफुल डायमंड्स। अब मैंने इस ब्यूटीफुल डायमंड्स को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने देखा कि ये ब्यूटीफुल डायमंड मैं चाहती हूँ कि हमारा लेफ़्ट साइड पर आ जाए। हम क्या करेंगे उसके लिए? हम करेंगे होम टैब के पैराग्राफ ब्लॉक में फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक करेंगे। क्या करेंगे हम? होम टैब के पैराग्राफ ब्लॉक में फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक करेंगे। हमने क्लिक किया और इधर ही हमारा ब्यूटीफुल डायमंड्स हमारा लेफ़्ट साइड पर आ गया। ऐसे ही हम एक और ऑप्शन देखते हैं, हमने लिखा गुड मॉर्निंग। क्या लिखा हमने? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब ये हम चाहते हैं कि हमारा कहाँ जाए? राइट साइड पे। राइट साइड पे करने के लिए हम क्या करेंगे? गुड मॉर्निंग को अपना सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद पैराग्राफ ब्लॉक में जाएंगे और थर्ड ऑप्शन को क्लिक करेंगे, तो इससे हमारा गुड मॉर्निंग राइट साइड पर आ जाएगा। ओके, क्या करेंगे अलाइनमेंट के लिए? हम होम टैब के पैराग्राफ ब्लॉक में जाके जो ये हमें तीन ऑप्शंस दे रखे हैं, हम इन तीन ऑप्शंस में से यूज़ करेंगे जैसे ही हम जिस टेक्स्ट को हम अपना चेंज करना चाहते हैं, अलाइन करना चाहते हैं। तो थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको अलाइनमेंट का ये टॉपिक समझ आ गया होगा। इसकी और प्रैक्टिस के लिए आप इस वीडियो को देखने के बाद हमारे दिए टेक्स्ट को सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू क्लास, टाटा।